जब मेहनत तुमने की है तो फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा, पर इतनी जल्दी भी नहीं जितना जल्दी तुमने सोचा है, क्योंकि हमेशा बड़ा बदलाव ज्यादा वक्त मांगता है। बार बार मिल रही असफलताओं से निकलने के लिए अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। इंसान में शक्ति की कमी नहीं होती, बस कमी होती है तो वो संकल्प की। और सबसे पहले तो पछताना छोड़ दो, फिर कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए, क्योंकि जिनके इरादे साफ होते हैं लोग अक्सर उनके खिलाफ ही होते हैं। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे तो भी कम न कर, क्योंकि ये उनकी गलती है आपकी नहीं। दोस्तों, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उन्हें ना टूटने का हक होता है और ना ही रुकने का हक। किनारे पर खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित तो होता है, लेकिन क्या जहाज इसलिए बना है कि वो किनारे पर खड़ा रहे? नहीं ना। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में चुनौतियों लेने की ताकत ही आपकी सफलता को तय करती है। ये तो कड़वा सच है कि गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाने लगते हैं लोग, और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। दोस्तों, मेरी एक सलाह है कि चाहे कितना भी कमा लो लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। और क्या खूब कहा है किसी ने कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए नए सवाल क्रिएट हो जाएंगे। जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तब फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। और घमंड के अंदर भी सबसे बुरी बात यही होती है कि वो आपको कभी भी महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हो। और इसलिए मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। ये जिंदगी है दोस्त, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। अरे क्यों करते हो भरोसा गैरों पर, जब चलना ही है तुम्हें अपने पैरों पर। दूसरों को सोता हुआ देखकर भी जो बंदा रात भर लगा रहता है कुछ कर दिखाने के लिए, तो वही बंदा एक दिन आगे चलकर इतिहास रच देता है। दूसरों से ज्यादा मेहनत ही आपको दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। वक्त कभी भी गूंगा नहीं होता, बस नॉन होता है। वक्त आने पर बता देता है कि किसका कौन है। और नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ठान लो तो एक ना एक दिन जरूर बनता है। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।